प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज मंगलवार है और बिना किसी कार्यक्रम के उपस्थित हूँ पर कोई कार्यक्रम लेकर के नहीं। दरअसल ये सबसे बड़ा हो सकता है जहाँ मुझे लोग अगर देख रहे हों और वो अभिनंदन मेरा करते हों, मैं उनका अभिनंदन करने को खुद उपस्थित होता हूँ आज आप लोगों के सामने। ये छोटी सी चीज़ है जिसको आप लोगों ने अपने दिल में जगह दी है, प्रेम दे रहे हैं और आशीर्वाद आप लोगों का मुझे चाहिए होगा हर बार। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बता रहा हूँ, पता नहीं मैं क्या बता रहा हूँ क्या नहीं, वो तो आप लोग जानते हैं। पर एक बात कहूँगा, एक ही बात कहूँगा, नेत्र अगर किसी के कारण आपके भर रहे हो रोज दिन या कभी भी, तो जिसके कारण भर रहे हो उसको चाहिए कि आकर के वो उसे पोंछ ले। नेत्र इसलिए बनाए गए थे ताकि हम सही और गलत की पहचान कर सकें, और उसमें आंसू इसलिए दिए गए थे परमात्मा के द्वारा कि हम उसके लिए रो सकें और नहीं तो खुशी में दो टुक बहा सकें। पर आजकल ये सिर्फ दुख में रोए जा रहे हैं, दुख में रोए जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले कमेंट में आज उन लोगों के प्रतिक्रियाओं का उत्तर दूंगा। दरअसल मैं ये खुद चाहता हूं कि आप लोग कुर्सी पे बैठे हों और मैं एक सामने बैठा हूं और आप लोगों के बीच में बस बैठ के बातें कर रहे हैं। वो जहाँ जहाँ पे आप अपनी बात बोल रहे हो, मैं अपनी बात, मैं अपना दुखड़ा और आप अपने सुख की बातें बताते हो, और कोई ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला चेहरा इतना मुस्कुरा रहा है तो वो कैमरे के बाद भी मुस्कुराता ही होगा। ना 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 ना, मैं भी बड़ा दुखी इंसान हूँ। आइए पांडे पूजा हर बार यह हैशटैग कुंडली विश्लेषण लिखती हैं, बहुत अच्छा लगता है। राहुल गौतम जी ने तो पूछा भी था मुझसे कि भैया मैं भी लिखना शुरू कर दूं क्या ऐसे। मैंने कहा अरे नहीं सर, कई लोग हैं जो लिखते हैं तो आप यूं ही रहने दीजिए, मुझे याद है आपकी कुंडली देखनी है मुझे। शोभा टाकले जी प्रणाम गुरु जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? गुम मत होइएगा, बने रहिएगा। आपकी कुंडली मैंने देखी थी, मुझे याद है, मैं भूलता नहीं। नेहा त्रिपाठी जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार कर रहे हैं आप, मैं भी नमस्कार ही करता हूँ। और आपसे तो आप लोग तो मतलब प्रबुद्ध हैं और मैं तो बिल्कुल भी आप लोगों के सामने अदना सा हूँ, यूँ ये छोटी सी चीज़ हूँ मैं, तो मुझे बहुत बड़ा बनाने की भूल कभी ना करिएगा। और मैं बनना भी नहीं चाहता, बड़ा बन जाऊँगा तो फिर दिक्कत होगी आप लोगों को, और ना बनूँ तो ही ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं बनना चाहता, नहीं चाहता कि किसी भी तरीके का मतलब आप लोगों को मुझ तक पहुँचने में कोई परेशानी हो और आप लोगों को मुझ तक पहुँचने में कोई दिक्कत का सामना करना पड़े, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल मैं ठीक हूँ और यूँ ही ठीक हूँ। राम प्रताप जी ने लिखा है, गुरु जी सादर चरण स्पर्श। नमस्कार श्रीमान, आपके तो नाम ही बड़े हैं तो आप खुद व्यक्तित्व के बड़े होंगे, नमस्कार आपको भी, बहुत बहुत नमस्कार। ये प्रतिक्रियाएं जब आती हैं और मैं देखता हूं तो अजीब लगता है। मैं अपने माता जी को कभी कभी दिखाता हूं, देखिए इतने सारे कार्यक्रम आए हैं। मेरी मम्मी जो है वो कार्यक्रम अगले दिन सुबह देखती हैं भोजन बनाते समय, तो वो और हर कार्यक्रम के बाद बोलती है कि आज का कार्यक्रम तो एवरेस्ट पर जाएगा हर बार यही बोलती है, आज का कार्यक्रम तो एवरेस्ट पे जाएगा। पता नहीं जाए ना जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और ना मुझे उसकी आवश्यकता है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की, बस यूं ही ठीक हूँ। इंदु शुक्ला प्रणाम गुरु जी, धन्यवाद। इससे कुछ और भी लिख दिया करिए आप लोग, जैसे कार्यक्रम में मैं कुछ बोलता हूँ या कुछ भी बोलता हूँ, जो प्रतिक्रिया अपनी देता हूँ कार्यक्रम के आरंभ में। तो मैं सामान्यतया सिर्फ कार्यक्रम नहीं बनाता, सिर्फ ज्योतिषीय कार्यक्रम और ज्योतिष बन करके नहीं रहना चाहता, समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। आने वाले दिनों में उसके शुरुआत के तौर पर कुछ कदम भी उठाने वाला हूँ, तो देखते रहिए और कहीं जाइए मत। बन के रहने पे हम दोनों निकट आ सकते हैं और जब निकट आ जाएंगे तो समस्याएं खत्म हो जाएंगी, फिर दूरियां खत्म, तो मतलब यूं ये जो चीज़ें हैं वो बदल जाती हैं। फिर से पांडे पूजा जी ने लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मैं मुझे याद है, भूलिए मैं नहीं भूलूंगा, मुझे याद है। मैक्स पिठदिया SS त्रिवेदी प्रणाम गुरु जी, नमस्कार जी, आप भी कमेंट प्रत्येक दिन करते हैं। पता नहीं मुझे चलता है कि आप मेरी बहन जी हैं या भाई जी हैं, तो ये थोड़ा बताइएगा। हालांकि आप लोगों की प्रतिक्रियाएं देख करके ESS त्रिवेदी, अब मुझे जहां तक लग रहा है कि आप कोई बहन जी हो सकती हैं या फिर माता जी ही हो सकती हैं, पर पता नहीं, तो थोड़ा इसको क्लियर करिएगा। मनोज कुमार अब रोए, तो एमोजी भेजा है तो कुछ और लिख दिया होता। एक बात बताऊं तो सिर्फ काम चलाऊं, कई बार होती हैं चीजें कि चलो लिख दिया ये काम कर दिया, कुछ और लिख दिया करिए। मैं तो दरअसल सबको कॉपी पेस्ट भी नहीं करता, आप लोगों की प्रतिक्रियाओं में मैं हर जगह नमस्कार लिखता हूं, NAMASKAR,
वो मैं लिखता हूँ और प्रत्येक पे लिखता हूँ, ऐसा नहीं कि कॉपी कर लिया है और बार बार उसको हर जगह पेस्ट कर दिया, और उसको लिखता हूँ मैं, टाइप करता हूँ, रात में 12-2 बजे तक जगता हूँ, इंतजार करता हूँ। प्रायः आप लोगों ने कई बार इसे महसूस भी किया होगा कि मेरे जवाब और मेरी जो प्रतिक्रिया है वो तुरंत यूं जाती है, जैसे चैटिंग कर रहे हैं। ब्रजेश कुमार पांडे जी, सादर प्रणाम गुरु जी, नमस्कार, मैं भी करता हूँ, और यूं बने रहिएगा सर, कहीं जाइएगा मत छोड़ करके, मुझे बड़ा डरता हूँ मैं, लोग कहीं छोड़ के चले ना जाएं, और मेरे प्राण इतने जल्दी निकलने वाले भी नहीं है, कभी कभी तो लगता है कि मैं यूं ही रह जाऊंगा यहाँ पे, और आप लोग भी मेरे साथ ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, मुझे पक्का भरोसा है। दीप्ति रंजन रावल, प्रणाम श्रीमान, आपको भी हाथ जोड़ करके नमस्कार करता हूँ, और इस नाचीज से अगर कभी कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा, पर एक बात कहता हूँ, जैसा मुझे उन लोगों से बड़ी तकलीफ होती है और कष्ट होता है जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, मैं प्रैक्टिकल नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, कन्या राशि का हूँ तो प्रैक्टिकल नहीं हूँ मैं, और धनु लग्न का हूँ तो प्रैक्टिकल होना बड़ा बुरा लगता है, और प्रैक्टिकल होना मतलब प्रिपरेशन करके आना, यही तो बात है ना, कि आप जहां अगर प्रैक्टिकल हो रहे हो या फिर दुनिया के हिसाब से अपने आप को बदल रहे हैं, तो तात्पर्य यह है कि आप कुछ रिवीजन करके आ रहे हो, तो रिवीजन क्या करना है, हम सामान्य हैं, आप सामान्य ही रहिए, मैं भी सामान्य हूं, अभी सामान्य रहिए। और रविंद्र चौहान जी ने लिखा है, नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार श्रीमान, आप तो रोज देखते हैं मेरे पंचांग पे, आपका कमेंट आता है मेरे प्रत्येक वीडियो पे, आपके कमेंट आते हैं नमस्कार के बाद। कल के कार्यक्रम में आपने लिखा था कि आपने राहु और चंद्रमा के बाद, नहीं कल के कार्यक्रम में, वो कौन सा कार्यक्रम था कल, वो उस पे आपने लिखा था कि बहुत आसानी से आपने बातें बता दी, मैं हर बार देखता हूँ, और आप लोगों के कार्यक्रम को, जैसे ही आप लोग का कार्यक्रम, ये जो है मेरा कार्यक्रम जैसे जाता है 7:30 से 8 बजे के बीच में, बड़ा व्यस्तता मतलब हो जाती है, बड़ी व्यस्तता हो जाती है, और उसके बाद फिर मैं तुरंत रसोई में चला जाता हूँ, माता जी के साथ आप लोगों को बताया था, फिर जवाब नहीं देता, पर रात में जब आता हूँ फिर 10 बजे रात में कुंडलियाँ देखता हूँ अर्जेंट वालों की, तो 10 बजे से 12 बजे तक वो एक फ़ोन पे एक हेल्दी टॉक होती है लोगों से, जहाँ मैं उनकी उनसे बात करता हूँ कुंडली पे, और फिर उसके बाद 12 के बाद 2 बजे तक जगना होता है फिर से, फिर 12 बजे के बाद 2 बजे तक जगना होता है लोगों की प्रतिक्रियाओं को, ताकि उनको इंतज़ार ना करना पड़े। मान लीजिए होता क्या है, सामान्य सी बात है, कल मेरी बात हो रही थी प्रेमलता जी से, तो उन्होंने बात कही कि भैया आपसे जुड़ने का एक सबसे बड़ा और बड़ा आनंद इससे आता है कि आप जवाब दे देते हो बड़ी जल्दी, और आमतौर पे सामान्य चैनलों पे वो नहीं होता है। मैं कहता हूँ कि व्यक्ति ने कुछ लिखा है, अर्जुन जोशी ब्राह्मण औदुम्बर, इन्होंने भी नया चैनल बनाया है, तो देखिएगा जरा इनको भी, आप लोग कभी कभी बार बार ये कहते हैं कि भाई मेरे चैनल को भी देखा जाए, बिल्कुल देखूंगा मैं, बिल्कुल देखूंगा, आपको भी देखूंगा और सबको देखूंगा निस्संदेह, आप ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है, तो ये बात है। और ये भी मत सोचिएगा अर्जुन जी, अर्जुन जोशी जी, कि मैं आपको याद नहीं करता, करता हूँ, बस मैं आपके पेशेंस को देख रहा हूँ कितनी देर और कितना दूर देखता हूँ कभी कभी। आशुतोष पांडे करके हैं एक, उनका पेशेंस थोड़ा सा जवाब दिया था पर वो मान गए, तो मैं कभी कभी पेशेंस को चेक करता हूँ कि वो कितना व्यक्ति मेरे साथ दूर जा सकता है। मंजू शुक्ला, तो मैं ये बोल रहा था वो प्रेमलता जी के बारे में, कि आप प्रतिक्रिया जल्दी दे देते हैं और आसानी से यूं दे देते हैं, तो ये अच्छी बात है ना, क्योंकि आपको इंतजार ना करना पड़े। हाँ, सवालों का उत्तर मैं थोड़ा देर से देता हूँ, क्यों देर से देता हूँ, कि मैं सोचता हूँ कि बिना कुंडली को देखे अगर आप उसको उत्तर में बदल रहे हो तो ये जल्दबाजी होगी, और सामान्यतया मैं अपने आपको बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं दिखाना चाहता और समझना चाहता और समझाना चाहता, और ना मैं हूँ, तो ये बात है, इस वजह से कई बार कुंडलियों का उत्तर नहीं देता सामने से।